कन्नौज को जिला बनाने की मांग विगत 20 वर्षों से की जा रही है। इसको देखते हुए मंगलवार को कन्नौज एवं आसपास के क्षेत्र सतवास काटाफोड़ के नागरिकों ने मिलकर कन्नौज को जिला बनाने में समर्थन दिया। इस उपलक्ष में शीतला माता से रैली के रूप में कन्नौज जिला बनाओ संघर्ष समिति द्वारा SDM कार्यालय पहुंचकर नायब तहसीलदार अविनाश सुनानिया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपकर बताया कि कन्नौज नगर में राजस्व नगर परिषद की भूमि पर्याप्त मात्रा में है और सभी विभागों के सरकारी कार्यालय पूर्व से ही मौजूद है, और यदि अन्य अतिरिक्त मुख्य कार्यालय शासन को बनाना उचित लगता है तो सरकारी भूमि पर कार्यालय आसानी से बनाए जा सकते हैं। इसके पूर्व में नेमावर का उपजिला कन्नौज जिला मुख्यालय हुआ करता था। इंदौर मार्ग के मध्य आसपास के क्षेत्र ऐसी तमाम सुविधा नगर कन्नौज में मौजूद है। वहीं जिला बनाओ समिति के सदस्यों ने मीडिया से चर्चा करते हुए यह भी बताया कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे हम धरना आंदोलन भी करेंगे। कन्नौज से कमल गर्ग की रिपोर्ट। ने नायब तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है। आज हम लोग कन्नौज नगर के निवासी मुख्यमंत्री जी राज्यपाल महोदय के नाम पर ज्ञापन भेज रहे हैं। हम लोगों की लड़ाई है कि हमारा नगर कन्नौज एक सभी दूर से देवास से बहुत दूर पड़ता है, इंदौर से दूर पड़ता है, खंडवा दूर पड़ता है। यहाँ के नागरिकों को यदि कोई किसी को कोई काम पड़ता है तो उसके लिए दूर जाना पड़ता है, दिन भर हमको वहाँ पर लगता है, उसमें हमारे यहाँ के नागरिकों को पैसा बहुत अधिक खर्च करना पड़ता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे नगर के जनता चाहती है यदि जिला बने तो कन्नौज ही जिला बने ताकि यहाँ पर सुविधा मिले। हमारे यहाँ कन्नौज के अंदर बहुत सारी ज़मीनें, ऐसी ज़मीन है, बड़ी बड़ी ज़मीन है, यदि कोई भी किसी भी कार्यालय को खोलना है तो उसके खोलने के लिए यहाँ पर बहुत सारी ज़मीन हैगी और उनका यहाँ पर कार्यालय खोल सकता है। यहाँ पर हमारे नेमावर को देवास जाने के लिए 130 किलोमीटर जाना पड़ता है और ये बहुत समस्या आती है। हमारे यहाँ के अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र है, हरिजन आदिवासी और किसान वर्ग है, उन लोगों को दूर जाने के लिए बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ के नागरिकों का कम से कम पैसा खर्च हो और उसमें सभी लोगों से निवेदन है कि वो लोग जुड़ें और जुड़ने के बाद हमारे नगर कन्नौज को। यह मांगे आपके कितने दिन पहले से चल रही है? हमारी ये मांगे आज से कम 20 वर्ष पुरानी मांगे हैं और इसके अंदर जब जब भी जरूरत पड़ती है हम लोग इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होने के बाद उसमें सभी लोग सहयोग करके यहाँ पर दलगत नीति से दूर हटकर यहाँ पर सभी कार्यकर्ता, व्यापारी, मजदूरगण, पत्रकारगण, व्यापारी सभी लोग मिलकर इस कार्य के अंदर आगे बढ़कर काम करते हैं और हम आशा नहीं बल्कि हमको पूर्ण विश्वास है कि एक दिन नगर कन्नौज जिला बनेगा। जय हिंद। आपके आगे क्या तैयारी? आगे क्या तैयारी? यदि हम इसके धंधे को कर रहे हैं, इसमें ज्ञापन दे रहे हैं, यदि इसमें किसी ने सुनवाई नहीं करी तो हम चरणबद्ध किसी धरना देंगे जिसमें कि रोज के रोज किसी दिन कोई व्यापारी वर्ग बैठेगा, कोई किसान वर्ग बैठेगा, कोई नेता बैठेंगे, कोई कार्य अपने पत्रकार बंधेंगे, इस पर करेंगे। यदि ये भी नहीं करेंगे तो फिर हम चक्का जाम करेंगे और चक्का जाम से भी यदि कार्य नहीं करा तो चाहे हमको जेल जाना पड़े उसके लिए जाएंगे, परंतु जब तक जिला कन्नौज नहीं बनेगा हम किसी तरह पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।